Hi guys, myself Vinda Haldia from House of Kalakar. Today we are learning how to render a face. हमने हमारी first video में कैसे face को draw करना है, कैसे facial features draw करने चाहिए, a female face वो हमने सीखा था। है यार अब you can see कि part two में हमने सीखा था basic rendering कैसे देनी है हमें face पे watercolor use कैसे करने हैं। दैन वी आर लर्निंग इन पार्ट थ्री फेशियल फीचर्स पे डैप्स एंड शेडिंग्स एंड रेंडरिंग्स बाय वाटर कलर कैसे हो सकता है गाइज आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक अ वेरी ईजी वीडियो अगर आपको इसमें कोई भी टफ़ चीज़ लग रही है जो आपको नहीं समझ में आ रही है या आपको और डिटेल में सीखनी है आप मुझे डिस् कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक अक मेक अ न्यू वीडियो फॉर यू गाइज फिलहाल दे आर वी आर डूइंग अ शेडिंग आईज यू कैन सी अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ एक ब्लैक कलर यूज़ किया है और विथ लॉट्स ऑफ वाटर वाटर कलर में गाइज वॉट्स द बेसिक्स आपको जहाँ पे भी लाइट्स छोड़नी है आपको वहाँ पे वो लाइट छोड़नी पड़ेगी वाइट जहाँ है वो प्रॉपर वाइट होना चाहिए इसमें ऊपर से नहीं लगाएंगे हम फिर धीरे धीरे लाइट टू डार्क हम इसमें शेड्स करते जाएंगे मैंने फर्स्ट आई को एक बार एक बेसिक शेड दिया है एंड आई एम जस्ट लेटिंग इट ड्राई फिर वापस हमने सेकेंड आई कर ली लिप्स पर शेड्स दिए नाव वी आर डूइंग आईब्रोज Guys, इसको डिटेल में और करेंगे तो बहुत सारी आ, लेयर्स हैं बहुत सारी डिटेल्स हम इसमें निकाल सकते हैं बट राइट नाउ मैं आपको बहुत ही एक बेसिक सी चीज़ें बता रही हूँ जो कि बहुत ईजी हैं आई विश आप लोग ये ट्राई करिए इसको बार बार देखिए बार बार आप ट्राई करिए डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप भी बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बना पाएंगे ये आई लैशेज़ हैं आई लैशेज़ के लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी गाइस डोंट वरी अगर आपसे आई लैशेज़ अच्छे नहीं बन रहे हैं या आईब्रोज अच्छी नहीं बन रही हैं या पर्टिकुलर नोज अच्छी नहीं बन रही है लिप्स अच्छे नहीं बन रहे हैं आई डेफिनेटली अपलोड सो मैनी ऑफ वीडियोज़ जिसमें आपको फेशियल फ़ीचर्स को स्पेसिफाइड तरीके से सिखाया जाएगा अभी फ़िलहाल मेरे YouTube चैनल पे हाउ टू मेक आईज एंड हाउ टू मेक लिप्स करके वीडियोज़ अवेलेबल हैं मैं उसी सेक्शन में उसी प्ले लिस्ट में और नए नए वीडियोज़ अपलोड करती जाऊँगी सो डोंट वरी गाइज इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं आगे भी मैं ऐड करती रहूँगी अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं यू कैन सी अभी हमने सेकेंड लेर की है आइज़ में एंड इट्स लुकिंग नाइस नॉट सो गुड फॉर मी इट्स नॉट सो गुड बट हाँ ठीक है फॉर द बिगनिंग इट्स इट्स नाइस गाइज कोशिश करिएगा कि आपसे भी इसी तरह से बन पाए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट धीरे धीरे आप ये करेंगे धीरे धीरे ये हो जाएगा माइट भी फर्स्ट अटैम्प्ट में ये इतना अच्छा ना बने बट आप हिम्मत मत आना आपको अगेन एंड अगेन ट्राई करना है अलग अलग फेसेस आप ले सकते हैं कोई कार्टून फेस से भी आप शुरू कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो दिस इज फ्रॉम माई इमेजिनेशन गाइज यू कैन सी मतलब धीरे धीरे मैंने हर एक पार्ट पे अलग अलग आराम से शेडिंग की है बहुत पेशेंसफुली इसमें आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा इसके अंदर सिर्फ लेयर्स में काम होता है हम एक साथ डार्क कलर लगा के स्प्रेड नहीं कर रहे हैं यू कैन सी इट नाउ आई हैव चिकन ब्लैक मैंने आईब्रोज़ के लिए बेस ब्राउन दिया है और मैं फिर एक एक हेयर्स आईब्रोज़ के ब्लैक से निकाल रही हूँ गाइज दिस इज़ फॉर द फैशन इलस्ट्रेशन बेसिकली बट आप चाहें तो इसे ह्यूमन फेसेस भी बना सकते हैं इन फ्यूचर हम पोर्ट्रेट कैसे बनाते हैं उस तरह की वीडियोज़ भी डेफिनेटली अपलोड करेंगे एंड देन फिर कलर मीडियम्स एंड ऑल कीप सब्सक्राइबिंग अर्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए शेयर करिए कमेंट करिए सो दैट वी कैन टीच यू एज मच वी कैन आपको जो भी सीखना है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं विल ट्राई आर बेस्ट गाइज नाउ यू कैन सी हेयर्स के लिए मतलब वॉट आई हैव डन मैंने ब्रश को थोड़ा ड्राई ब्रशिंग की है यहाँ पे ड्राई ब्रशिंग गाइज़ एक टेक्निक होती है आर्ट की नाउ लुक किस तरह से मैंने ब्रश को स्प्रेड किया एंड दैन फिर आई हैव जस्ट जस्ट क्रिएट द टेक्शो गाइज इसमें ध्यान रखेगा जितना ज़्यादा पानी होगा आपके टेक्शर्स नहीं आएंगे कलर कम होना चाहिए ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा आपको मतलब एक दो बार हो सकता है थोड़ा खराब हो तो कोशिश करना आप उसे रफ शीट पे करें दिस इज गॉन लुकिंग सो सो अमेजिंग आई लव कर्ली हेयर्स एज आई एम ऑल्सो हैविंग कर्ली हेयर्स सो दैट्स वाई ट्राइंग टू मेक सम कर्ल्स मैंने uh, इसमें लेयर्स में काम किया है लाइट टोन से लेकर डार्क टोन पे आई एम गोइंग यू कैन सी इजीली इट्स वेरी इजी गाइस इट्स वेरी वेरी इजी यू कैन सी इट गाइज अब मैंने इसमें बारीक ब्रश से लेकर आउटलाइंस आई एम क्रिएटिंग द डिटेल्स गाइज इस पर थोड़ा सा ध्यान देना हमें बस कुछ कुछ डिटेल्स ही देनी है वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी आउटलाइन गाइज आउटलाइंस नहीं किए हैं हमने कहीं भी किसी भी चीज़ की नीदर लिप्स आइज नोज हेयर्स किसी के भी नहीं हमने शेड दिया है सो प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन द शेड्स और डैप्स नॉर्मली स्टूडेंट्स आउटलाइंस बहुत जल्दी क्रिएट कर देते हैं वो भी ब्लैक कलर से दैट्स वेरी वेरी बैड ना लुक एट हर्स हाउ ब्यूटिफुल शी इज़ लुकिंग गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा थैंक यू सो मच गाइज़ बाय